वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। सुख रहे तुम्हारी शरणा, मेरा जग का भूखो डरना। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय। नहीं, आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाला मामला। इन दिनों हनुमान चालीसा पर काफी विवाद चल रहा है। अब जरा कानपुर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जहां थाने के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और ये पाठ करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जो अपनी मांगों को लेकर थाने के अंदर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ विनोद कुमार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बजरंग दल वालों को अकबरपुर थाने के अंदर ये सब करने की जरूरत क्या पड़ गई, तो वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ ये कि दो ट्रकों में गायों को भरकर पश्चिम बंगाल लेकर जाया जा रहा था, जिसकी खबर लगते ही बजरंग दल की टीम अलर्ट हो गई और पीछा करते हुए इन ट्रकों को पकड़ भी लिया। बल्कि बजरंग दल वालों ने इसकी सूचना अकबरपुर थाने के इंस्पेक्टर को भी दे दी थी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कार्रवाई करने की बजाय उल्टा बजरंग दल वालों को ही धमका डाला। बस इसी बात पर मामला बिगड़ गया और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। और कल रात को एक सूचना मिली कि दो गाड़ियां गायों से लदी हुई आ रही हैं, जिसके बाद हम लोगों ने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया तो इंस्पेक्टर साहब ने ये कहते हुए टाल दिया कि 112 पे सूचना कर दीजिए, जिसके बाद बजरंग दल की टीम ने 12 जोड़ पर घेराव करके रात को 11 बजे गाड़ियों को पकड़ा कि पश्चिम बंगाल में ले जाया जा रहा है, वहाँ भी पाली जाएंगी। हमने उनसे कहा नहीं, वहाँ पाली नहीं जाती है, वहाँ गाय काटी जाती है। तो बोले कि लड़की की शादी कर दी जाती है, उसके बाद वो लड़की ससुराल में मारी जाती है, काटी जाती है, ये उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है। उसके बाद उनसे थोड़ी सी बहस हुई, थोड़ी सी बहस होने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा अभद्रता की हम लोगों के साथ, जिसके काफ़ी बदतमीजी से बात करने लगे कि यहाँ से भगा देंगे और ज़्यादा मत बोलो कंटाप मार देंगे ये वो। मामले को पुलिस के अधिकारी मिस अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं। नहीं, आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाला मामला था और उनको बता दिया जो कार्रवाई होगी नियमता कार्रवाई होगी और नियमता कार्रवाई की जा रही है, उससे वो संतुष्ट हो गए और किसी प्रकार की उनके द्वारा कोई हंगामा नहीं काटा गया। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जो है ऊंची आवाज़ में बात की गई और इस तरह से कुछ बात की गई और उसमें जाँच कराई जाएगी और नियमता जो कार्रवाई होगी वो नियमता कार्रवाई की जाएगी। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग भी बोल रहे हैं। कार्यकर्ताओं के आरोपों में अगर सच्चाई है तो प्रशासन को इस पर बारीकी से जांच तो करनी ही चाहिए, बल्कि जांच में अगर इंस्पेक्टर पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा। आप देखते रहे वीके न्यूज़।